जब मैं लोगों को राशन बांट रहा था तो मेरे मन में एक गाना चल रहा था। वह गाना था, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला जब थक जाएगा। साथियों, ये गाना मेरे मन में क्यों याद आ रहा था? कहीं न कहीं थकने के कगार पे आ जाते हैं। यहाँ थकने का मतलब यह नहीं है कि हम शारीरिक क्षमताओं से थक गए, बिल्कुल नहीं। ऐसा भी नहीं है कि हमारे मनोबल टूटे हैं, बिल्कुल नहीं। हमारी सेवा करने का जो भावना है वो हम चाहते हैं कि अनंत काल तक चले। परंतु हम सभी जानते हैं कि किसी बड़े उद्देश्य को पाने के रास्ते में कई चुनौतियां आती है। हमारे यहाँ रास्ता चुनौतियों से भरा होता है, हमारे सामने भी चुनौतियां हैं। हमारी संस्था अपने लोग के पास जो भी सबसे बड़ी समस्या आ रही है वह है आर्थिक चुनौतियाँ, जो हमारे उद्देश्य को पाने में बाधा बन गई है। हमारा उद्देश्य है कि पंक्तियों के आखिरी व्यक्ति तक मदद पहुंचाना, उसमें बार बार आर्थिक चुनौती सबसे बड़ी समस्या बन के आ जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, साथी हाथ बढ़ाना वह पुण्य काम जिसमें हम उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जो खुद अपनी मदद करने में समर्थ नहीं है। और हम तो भारतवासी हैं जो वासुदेव कुटुंबकम के रास्ते पर चलते हैं, तो वासुदेव कुटुंबकम के इसी भाव को रखते हुए मैं पूरी दुनिया से निवेदन करना चाहता हूँ, मानवता के लिए अपने लोग के परिवार का हिस्सा बने और हमें आर्थिक चुनौती से पार पाने में मदद करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सेवार्थ परमो धर्मा।